देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में सभी रोडवेज बस, ट्रेन और अन्य सभी वाहन बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं बता दें कि आपको दूसरे जिलों और राज्यों में मजदूरी करने वाले लोगों के सामने घर लौटने का संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते सभी परिवारों ने पैदल ही अपना सफर शुरू कर दिया और ऐसा ही देखने को मिला कोटा फोरलेन हाईवे पर, जहां कई परिवार मध्य प्रदेश जाते नजर आए। ऐसे में A1TV संवाददाता योगेंद्र महावीर ने लिया हालातों का जायजा। कोरोना वायरस के लगातार फैल रहे संक्रमण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन करवा दिया है। ऐसे में ट्रेन हो चाहे बसें हो, पूरी तरह से बंद है। इन सबके बीच सबसे बड़ा संकट उन मजदूरों पर खड़ा हुआ है जो अपने शहर से, अपने घरों से काफ़ी दूर हैं। इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी मजदूर हैं जो जोधपुर से चलकर अपने घर श्योपुर जा रहे हैं। काफ़ी समस्या में ये लोग निकल रहे हैं। इनके लिए कोई साधन की कोई व्यवस्था नहीं है, न इनके कहीं खान पान की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कोटा शहर में एंटर होने के बाद इनको रास्ते में ही पुलिसकर्मी हो चाहे दूसरे संगठन के लोग हैं, उन्होंने रोका है और उनको खाना खिलाया है और उसके बाद इनको अपने आगे के रास्ते के लिए रवाना करा है। ये एक दो नहीं, तकरीबन 20 से 25 मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो अपने घरों को जा रहे हैं, श्योपुर जा रहे हैं। जोधपुर से ये चले हैं और ऐसे में इन सब के लिए सबसे बड़ा जो संकट खड़ा हुआ है वो हुआ है वाहन का। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनको समस्या आई है। बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। समस्या तो पैदल चल रहे, कल परसों से चल रहे, 5 रोज हो गए लगातार, 3 दिन तो पानी में भीगते हुए हो गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में। तो आप चले हो तो कहीं आपको साधन वगैरह नहीं मिले? कुछ भी नहीं मिला है सर, कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर, किसी को साधन। आपको पता है कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो आपको कुछ पता है इस बारे में? पता तो है सर, क्या करें, फिर उधर भी तो ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार ने मना कर रखा है कि आप जहाँ पर भी हो वहीं पर रहें, तो क्या मजबूरी आप लोगों की निकलने की? मजबूरी तो यही है सर, उधर भी बैठा रहना पड़ता है, तो उधर भी कुछ भी नहीं है सर, कम लोग हो, बंद हो चुका है, तो इसलिए गाँव जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इन मजदूरों के लिए यही है कि ये लोग गाँव जा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, अपने घरों से दूर हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए संकट जरूर खड़ा हो गया। ऊपर भी आप हाईवे पर देखेंगे कि ऊपर भी कुछ मजदूर हैं जो युवा हैं, वो काम करके रवाना हुए हैं। सबसे बड़ी संकट उनके ऊपर यही आया है कि सारे काम अभी बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी है, लॉकडाउन पूरी तरह से किया गया है। तो अब ये जहाँ पर है वहाँ पर भी इनके पास रुपये ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ इनका सफ़र करना कहीं ना कहीं एक गंभीरता को भी जाहिर करता है। लेकिन ये अपने घर जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर जाकर आराम से ये लोग रह सके। देखना ये होगा कि अब ये कब अपने घरों को पहुँचते हैं और रास्ते में इनके लिए संगठन के लोग हों चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, इनके लिए किस तरह की व्यवस्था आगे की जाती थी। A1TV भी इनसे अपील करता है कि जो जहाँ हैं वहीं रहें। कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, इससे बचने का तरीका यही है कि जो जहाँ पर रुका हुआ है वो वहीं रुका रहे। कुछ दिन इस समस्या को उठाएं, क्योंकि जब हम सेफ रहेंगे तभी पूरा देश सेफ रहेगा। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज और कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावीर, A1TV कोटा।